टीवी सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल और वो रहने वाली महलों की में काम कर चुकी एक्ट्रेस कर्णा पांडे एक टैलेंटेड एंड पैशनेट लेडी हैं। इन्होंने टीवी सीरियल के अलावा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया है और अब वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 का भी हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे करुणा पांडे की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप करुणा पांडे की फ़ैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना। इनका रियल नेम है करुणा पांडे और निक नेम से इनको कंचन कहते हैं। करुणा प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं। करुणा का जन्म 4 सितंबर 1980 को देहरादून उत्तराखंड इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 43 ईयर हो चुकी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो करुणा की पढ़ाई अम्बाला, शिलांग, चेन्नई, आगरा, उधमपुर, लखनऊ आदि कई जगहों पर हुई है क्योंकि उनके पिता सेना में भर्ती थे, लेकिन स्कूल का नाम सेम था, केंद्रीय विद्यालय। वही इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट बीए की हुई है इंग्लिश से, साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। तो करुणा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2003 में शॉर्ट फिल्म द बाईपास में फेमस रोल निभाकर की। 2004 में इन्होंने शो रू में काम किया जहां इन्होंने स्पर्धा की भूमिका निभाई। 2005 में इन्होंने शो वो रहने वाली महलों की में मधु की भूमिका निभाई जिससे ये पॉपुलर हो गई। वहीं 2009 में वह एक ड्रामा सीरीज यहां मैं घर घर खेली में भी दिखाई दी जहां इनका किरदार शैली बिमल प्रसाद का था। 2013 में करुणा पांडे लाइफ ओके के टीवी शो विंग्स रिंगा रिंगा पास में भी दिखाई दी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे टीवी शोज में काम किया जिनके नाम है मेरे रंग में रंगने वाली, भागे रे मन, दिव्यांशी, पुष्पा इम्पॉसिबल। तो हमको कमेंट करके बताना कि करुणा का कौन सा सीरियल आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। साथ ही साथ अब ये 2023 में सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 का हिस्सा हैं। देखते हैं करुणा यहाँ पर क्या करती हैं। 2011 में वह शॉर्ट फिल्म सिर्फ मैं और तुम में भी दिखाई दी और वहीं इन्होंने 2015 में बॉलीवुड मूवी प्रेम रतन धन पायो में भी काम किया जहां इन्होंने एक्टिंग की महारानी की भूमिका की। साथ ही साथ ये बॉलीवुड डायरीज एंड मोटीचूर चकनाचूर मूवी में भी थी। करुणा एक एक्ट्रेस होने के अलावा एक अच्छी राइटर भी हैं और शायरी और पोइम्स भी लिखती हैं। इन्होंने 2016 में महिला दिवस पर भागे रे मन की सभी महिला कलाकारों को एक यूनिक हेड राइटिंग की पोइम उपहार में दी। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम लेट पीसी पांडे है, इनकी मदर का नाम दीपा पांडे है, इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम भावना शर्मा है जो प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। इनके हस्बैंड का नाम ऋत्विज वैद्या है जो प्रोफेशन से एक्टर एंड डायरेक्टर है। इनकी मैरिज 20 फरवरी 2014 को हुई है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग, कोरियोग्राफिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि करुणा रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मारुति सुजुकी सियाज। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 80,000 रुपये पर एपिसोड चार्ज करती हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क लगभग $2 मिलियन है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 17 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी करुणा पांडे की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।